माशाल्लाह प्रॉपर तरीके से उनका ब्लड प्रेशर, उनकी शुगर, उनके तमाम टेस्ट करने के बाद उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन भी बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है और ऑपरेशन के बाद की मेडिसन्स भी फराहम की जा रही है। तो एक दफ़ा फिर मैं शाहजमानी बिरादरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ खिराज तहसीन। मुझे सर ये भी आपसे पूछना है कि हुकूमती सतह पर यकीनन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में आपकी मिनिस्ट्री बहुत अच्छे इकदाम करने जा रही है, ख़ासतौर पर जो सेहत कार्ड का सिलसिला था, क्या उसमें आप इस पब्लिक सेक्टर के इन लोगों को जो फलाही कामों में बढ़ चढ़ काम हिस्सा ले रहे हैं उनकी सहूलत के लिए या उनकी आसानी के लिए कुछ ऐसे इकदाम करने जा रहे हैं? और एक दूसरा सुना है कि आज अपनी इसमें हिस्सा डालने के लिए भी कई एक मरीजों को अपने जिम्मे लेने का ऐलान किया है, इस बारे में ज़रा बताइए प्लीज़। जी देखिए, पंजाब गवर्नमेंट का फोकस हेल्थ और एजुकेशन है। हेल्थ आपने देखा कोरोना के दिनों में, डेंगू के दिनों में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है हेल्थ की। और ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विजन हेल्थ कार्ड, जो हमारे सिर्फ गरीब और कमज़ोर नहीं बल्कि पूरी आबादी को भाव अपना सहीवाल डिवीज़न और डेरा गाजी खान डिवीज़न की 2021 के अख्ताम कर, अभी भी हम पूरे पंजाब में तकरीबन 70 से 80 लाख जायद खानदानों को कार्ड जारी कर चुके हैं और डेरा गाजी खान डिवीज़न और सहीवाल डिवीज़न की तमाम आबादी को हेल्थ कार्ड होगा। जब एक गरीब आदमी की जेब में कार्ड होगा तो उसे पता होगा कि 10 लाख रुपए तक उसको जब बीमारी कोई आफत आती है तो वो सरकारी खर्च पे। मैं समझता हूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये फैसिलिटी नहीं है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ये हमारे पंजाब के लोगों को ये फैसिलिटी देने जा रही है। तो रही गुजारिश के इन समाजी तंजीमों को प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या सोचने जा रही है? जी देखिए, सब कहते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप से पाकिस्तान में मुखैर लोगों की कमी नहीं है, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। और बाकी मैं मुखैर लोगों को कहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें तो यही निजात का रास्ता। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।